हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम लोग कक्षा 10 जीव विज्ञान अध्याय 1 जैव प्रक्रम के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में और टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए, आज कौन सा टॉपिक हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, मनुष्यों में पाचन तंत्र, ठीक। तो देखिए, मनुष्यों में पाचन तंत्र किस किस चीज़ से होकर के होता है, ठीक है। यहाँ देखिए, मानव पाचन तंत्र का फिगर बना है, चित्र बना हुआ है। अब इसमें एक एक चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। जो जो ऑर्गन है हमारे, जो जो अंग है, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला हमारा क्या है, पहले देखिए, आप भोजन लेते हैं, तो भोजन लेते हैं तो पहले सबसे पहले कहाँ से लेते हैं, मुख से लेते हैं, माउथ से लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम पहले नंबर पे क्या है हमारा, मुख है, ठीक है। तो देखिए, मुख में क्या होता है, मनुष्य का मुख द्वार कटोरी नुमा होता है, यानी कि जो मुख द्वार है, जो हमारा ये मुँह है, वो कैसा दिखता है आपको, कटोरी नुमा, ठीक है। ये कैसा होता हमारा, कटोरी नुमा होता है। जो मुख गुहा में खुलता है, ये जा करके कहाँ पे खुलता है, मुख गुहा में खुलता है, ठीक है। ये हमारा मुख है, ठीक है, ये हमारा मुख है। फिर ये जा करके कहाँ खुलेगा, मुख गुहा में, मतलब कि अंदर जैसे ये जाएगा उसे क्या कहेंगे, मुख गुहा, यानी कि मुख गुहा में खुल रहा है, ठीक। फिर क्या है, मुख द्वार द्वारा हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी कि मुख द्वारा हम लोग क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। माउथ हमारा ये मुंह है, तो इससे हम लोग भोजन को लेते हैं, उठाते हैं, तो कहाँ ले जाते हैं, मुख में ले जाते हैं। तो मुख के द्वारा कहाँ ले जाते हैं, अंदर ग्रहण करते हैं, ठीक है। भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक। मुख हो गया। अब मुख के बाद क्या था कि मुख गुहा में खुलता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि मुख गुहा में क्या हो रहा है, ठीक। देखिए, इसके ऊपरी भाग को तालु कहते हैं, मुख गुहा के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। तो ये जो हमारा मुख है, मुख का ये जो ऊपरी भाग है, अंदर देखिए ये जो ऊपर का भाग है, उसे क्या कहेंगे, तालु कहेंगे, ठीक है। इसलिए आप क्या लिखा है कि मुख गुहा के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। फिर क्या लिखा है, ये ऊपरी व निचले जबड़ों से घिरी रहती है। ये ऊपरी, ये हमारा ये जो ऊपर का पोर्शन है, ये क्या है, ऊपरी जबड़ा है। ये जो नीचे है, ये पूरा ये क्या है, निचली जबड़ा है, ठीक है। तो ये ऊपरी और निचली जबड़ों से क्या रहता है, घिरा रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, मुख गुहा में जीभ और दांत होते हैं। अब हमारा मुंह है, ठीक है, मुख के अंदर मुख गुहा है, तो मुख गुहा में क्या क्या रहता है, जीभ प्रेजेंट रहता है और क्या रहता है प्रेजेंट, दांत रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, जीभ दांत रहता है, तो जीभ के बारे में भी थोड़ी जानकारी लेंगे और थोड़ी जानकारी दांत के बारे में भी लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, जीभ कहाँ रहता है हमारा, मुख गुहा के फर्श पर स्थित मोटी मांसल संरचना होती है। ये हमारा मुख गुहा है, ठीक है, मुख गुहा के फर्श पर स्थित ये अटैच रहता है, ठीक है, जुड़ा हुआ रहता है। मुख गुहा के फर्श पर स्थित ये कैसा रहता है, मोटी मांसल संरचना होती है। हमारा जीभ कैसा रहता है, पतला तो रहता नहीं है, ठीक है। हमारा जीव देखिए क्या है, कैसा है, मोटा है, ठीक है। तो ये क्या है, मोटी मांसल संरचना है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, जीव पर छोटे छोटे अंकुर होते हैं। अब जीव अपना देखिए किसी दिन, ठीक है, तो उसके ऊपर, जीव के ऊपर क्या रहता है, छोटे छोटे दाने टाइप रहते हैं, ठीक है। जीव के ऊपर आप देखिए तो छोटे छोटे दाने टाइप रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अंकुर, ठीक है। वो क्या होता है, अंकुर होता है, जिसे क्या कहते हैं, हम स्वाद कलियां कहते हैं। यानी कि जो ये अंकुर जीप पर है हमारे, उससे हमें क्या मिलता है, स्वाद मिलता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, स्वाद कलियां कहते हैं, जिसके कारण मनुष्य को स्वाद का अनुभव होता है, ठीक है। यानी हमारे जीव के ऊपर जो छोटे छोटे दाने होते हैं, जो अंकुर होते हैं, उसे स्वाद कलियां कहते हैं। उसी स्वाद कलियां के कारण मनुष्य को किसका अनुभव होता है, स्वाद का अनुभव होता है, ठीक। तो हम अब देखते हैं हमारे स्वाद में क्या क्या आते हैं टेस्ट, ठीक है। तो देखिए, स्वाद में चार स्वाद होते हैं हमारे, ठीक है। पहला क्या है, कड़वा, ठीक, जिससे हमें कड़वा का टेस्ट मिलता है, कड़वा स्वाद मिलता है। फिर दूसरा क्या है, खट्टा, खट्टा का स्वाद मिलता है। तीसरा क्या है, मीठा। चौथा नमकीन है, ठीक। अब यहाँ पे जीभ का संरचना देख लीजिए क्या है, यह हमारा क्या बना हुआ है, जीभ बना हुआ है, ठीक है, जीभ बना हुआ है। अब जीभ के, ठीक है, जीभ का जो लास्ट वाला पार्ट है, मतलब जो सबसे पीछे है, उससे क्या मिलता है हमें, कड़वा स्वाद मिलता है, ठीक। जो साइड में है उससे खट्टा मिलता है, ठीक। फिर उसके आगे आइए, खट्टा के बाद उसके आगे आइए, मीठा स्वाद मिलता है, ठीक। फिर सबसे आगे आइए, नमकीन स्वाद मिलता है। समझ में आया।
सबसे लास्ट में, सबसे अंत में मुझे जीभ से कड़वा स्वाद मिलता है, फिर उसके आगे आएंगे दोनों साइड साइड में खट्टा स्वाद मिलेगा, फिर उसके आगे आएंगे तो मीठा स्वाद मिलेगा, जो सबसे एंड पार्ट होता है, जो सबसे आगे होता है ये, वो क्या होता है, उससे कौन सा स्वाद मिलता है हमें, नमकीन स्वाद मिलता है। ठीक है, अब एक बार ये मानव पाचन तंत्र का भी चित्र देख लीजिए आप लोग। देखिए ये क्या है, पहले हमारा क्या है, मुंह है, ठीक है, फिर क्या है, जीभ है, फिर क्या है, डायफ्राम है, इधर क्या है, ग्रसिका है, ठीक है, फिर ये लीवर है, यकृत है, जिसे कहते हैं यकृत है, यकृत में क्या होता है, पित्त नली होती है, पित्त नली थी, पित्त नली क्या करता है, पित्त का भंडारण होता है, पित्त नली में क्या होता है, पित्त का भंडारण होता है, फिर इधर जो जहां हमारा स्टमक सॉरी आवासे अटैच है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, वहां जो ये नीचे स्पेस है वो वहां पे क्या प्रेजेंट रहता है, स्टमक के नीचे, आमाशय के नीचे अग्न्याशय, ठीक है, फिर ये हमारा जो स्ट्रक्चर इधर आया है उसे कहते हैं परिशेषिका, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि किसी काम का नहीं होता है, ठीक है, फिर इधर क्या है हमारा, ये जो गया है, ये स्ट्रक्चर जो गया है उसे कहते हैं छोटी आंत कहते हैं, ठीक, फिर ये जो ऐसे स्ट्रक्चर गया है उसे कहते हैं बड़ी आंत कहते हैं, कोलॉन भी कहते हैं, ठीक है, फिर लास्ट में हमारा क्या है, गुदा द्वार। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये मनुष्य का आहार नाल है। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अभी तक हम क्या देखे थे, जीभ देखे थे, मुंह में जीभ होता है और दांत होता है, ठीक है, तो जीभ देख चुके हैं, अब देखिए दांत, दांत के ऊपरी परत को इनेमल कहते हैं, क्या कहते हैं, दांत के ऊपरी परत को इनेमल कहते हैं, ठीक है, जो दांत का ऊपरी परत होता है यानी कि दांत की जो कवरिंग होती है उसे क्या कहेंगे, इनेमल कहेंगे, ठीक है, इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, जो हमारे दांत का ऊपरी परत होता है इनेमल जिसे कहते हैं, वो हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर पदार्थ हमारा क्या है, जो दांत के ऊपर जो दांत की कवरिंग है हमारी इनेमल, वो हमारे शरीर की क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है, फिर क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, जो हमारे दांतों को क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है, मान लीजिए आपके दांत में कोई ठोका या चोट वगैरह कुछ लग रही है, ठीक है, तो क्या होगा, या कंकड़ वगैरह दांत से दब रहा है तो क्या होगा, पहले किसमें लगेगा, इनेमल में लगेगा, ना कि दांत में, डायरेक्टली दांत में नहीं लगेगा, किसमें लगेगा, इनेमल में लगेगा, इसलिए कहा जाता है कि इनेमल क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो हमारे दांत की क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है, अब देखिए जो दांतों की रक्षा करता है, अब मनुष्य के ऊपरी और निचले दोनों जबड़ों में दांत पाए जाते हैं, ये हमारा ऊपर का जबड़ा है, हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, ये हमारा ऊपर का जबड़ा है, यहाँ भी पूरा क्या होता है, दांत पाया जाता है ऊपर वाले जबड़े में, और ये हमारा निचला जबड़ा है, ठीक है, निचले जबड़े में भी क्या होता है, दांत होता है, यानी कि मनुष्य के ऊपरी और निचले दोनों जबड़ों में क्या पाया जाता है, दांत पाया जाता है, ठीक है, अब देखिए दांत के प्रकार, दांत कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, पहला हमारा क्या है, कृंतक है, जो कि भोजन को या किसी भी खाद्य पदार्थ को काटने के काम आता है, ठीक है, भोजन को या किसी भी चीज को काटने के काम आता है, कौन सा दांत हमारा, कृंतक, ठीक है, कहाँ होता है कृंतक, इधर इधर होता है, साइड से जो चुकीला होता है, ठीक है, वो उसे क्या कहते हैं, कृंतक कहते हैं, फिर नेक्स्ट क्या है, रदनक, चीरने फाड़ने का काम आता है, उसके बाद किसका नंबर आता है, रदनक का, जो क्या करता है, वो चीरने फाड़ने का काम करता है, किसे, किसी भी चीज को, किसी भी खाद्य पदार्थ को, क्या किस चीज का काम करेगा, चीरने और फाड़ने का काम करेगा, ठीक है, फिर थर्ड क्या है, अग्रचवर्ण, अब रदनक के बाद किसका नंबर आता है, अग्रचवर्ण का, अग्रचवर्ण किसका काम करता है, भोजन को पीसने का काम करता है, क्या करता है, भोजन को पीसने का काम करता है, फिर नेक्स्ट लास्ट में क्या होता है, चवर्णक होता है, जो कि पीसने के ही काम आता है, जैसे अग्रचवर्णक पीसने का काम आता है, बस चवर्णक क्या करता है, उसको थोड़ा और महीन पीस देता है, ठीक है, अग्रचवर्णक क्या होता है, पीसता तो है, बट चवर्णक क्या होता है, अग्रचवर्णक की अपेक्षा और महीन पीस देता है, ठीक है, यह जीवन में एक ही बार निकलता है, इसे अक्लदात भी कहते हैं, आप लोग सोचते होंगे ना कि अक्लदात किसे कहते हैं, तो अक्लदात किसे कहते हैं, चवर्णक को कहते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, जीवन में एक ही बार निकलता है, एक ही बार निकलता है जीवन में, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, अक्लदात कहते हैं, आप लोगों ने किसी के मुंह से, बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि अक्लदात, ठीक है, अक्ल का दात, तो उसे आप लोग सोचते होंगे कि अक्लदात किसे कहते हैं, ठीक है, तो अक्लदात किसे कहते हैं, चवर्णक, ठीक है, आज आप लोग जान लीजिए कि अक्लदात कहते किसे हैं, चवर्णक को कहते हैं, ठीक है,
अब यहाँ पे क्या देख लेते हैं हम लोग, दांत की संरचना। तो देखिए ये दांत बना हुआ है हमारा, ठीक है, दांत के ऊपर की कवरिंग बनी हुई है, ठीक। क्या कहते हैं दांत के ऊपरी कवरिंग को, इनेमल कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इनेमल, यानी कि दांत का जो बाहरी कवच होता है उसे क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं, ठीक है। अब ये दांत की संरचना देखिए, ये क्या बना हुआ है, दांत बना हुआ है, लिप्स बना हुआ है, उसके अंदर क्या बना हुआ है, दांत बना हुआ है, ठीक। तो दांत देखिए, ये जो दांत है इधर थर्ड नंबर पे किनारे का दांत, उसे क्या कहते हैं, कृंतक कहते हैं, जो कि चिपकला आता है ये होता है दांत, ठीक है, कृंतक कहते हैं। फिर उसके बाद वाला जो दांत होता है पश्चकृंतक कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पीछे होता है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पश्चकृंतक, ठीक। अब इधर से किनारे की ओर देखिए क्या है, इसे सॉरी इधर से पहले देखिए, यहां से देखिए तो इसे क्या कहते हैं, प्रथम चवर्णक कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रथम चवर्णक। फिर उसके आगे देखिए द्वितीय चवर्णक, फिर उसके आगे पीछे से बात कर रहे हैं, ठीक है, पीछे क्या होगा, प्रथम चवर्णक, फिर उसके आगे देखिए द्वितीय चवर्णक, फिर उसके पीछे एक साइड जाइए तृतीय चवर्णक, ठीक है। पहले क्या होगा, प्रथम चवर्णक, फिर उसके बाद द्वितीय चवर्णक, फिर उसके बाद क्या होगा, तृतीय चवर्णक। अब इधर की साइड देखिए तो प्रथम अग्र चवर्णक होगा, उसके पीछे देखिए चवर्णक के पीछे, ठीक है, अग्र चवर्णक होगा, फिर क्या होगा, दूसरा अग्र चवर्णक, ठीक है। तो पहले क्या आता है हमारा, कृंतक आता है, ठीक है, फिर रदनक आता है, फिर अग्र चवर्णक आता है, अग्र चवर्णक, अग्र मतलब आगे, यानी कि आगे का चवर्णक, फिर लास्ट पश्च चवर्णक, फिर क्या आता है, चवर्णक आता है, ठीक है। तो क्या होता है, कृंतक हमारा काटने का काम करता है, ठीक, और रदनक चीरने फाड़ने का काम करता है। पहले आप भोजन को लेंगे मुंह में तो क्या करेंगे, पहले काटेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, चीरेंगे फाड़ेंगे, मतलब उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, अग्र चवर्णक आता है, जो पीसने का काम होता है, पीसता है, बट उतने अच्छे से नहीं पीसता है जितना कि लास्ट में जो चवर्णक होता है वो पीसता है, एकदम महीन पीसता है, ठीक है। स्टूडेंट इतना आपको समझ में आया, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग दंत सूत्र और दांतों की संख्या, ठीक है। तो देखिए दांतों की संख्या कितनी होती है, दांतों की संख्या, ठीक है, शैशवावस्था में पहले देखते हैं हम, शैशवावस्था, ठीक है, शैशवावस्था में दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है, 20 होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट किशोरावस्था देख लेते हैं, किशोरावस्था, ठीक है, किशोरावस्था में दांतों की संख्या कितनी होती है, 28 होती है, यानी कि 28 होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं युवावस्था, युवावस्था, ठीक है, युवावस्था में दांतों की संख्या कितनी होती है, 32, युवावस्था मतलब हम जैसे लोग, ठीक है, युवावस्था में दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। हाँ एक चीज आप याद रखिएगा कि दांत दो होते हैं, एक परमानेंट होता है, ठीक है, एक टेम्परेरी होता है। परमानेंट में टीथ की संख्या, दांतों की संख्या 32 होती है, जो कि हमेशा के लिए रहता है, ठीक है, और जो टेम्परेरी रहता है वो क्या रहता है, कुछ समय के लिए रहता है, कुछ समय के लिए मतलब आप समझ रहे हैं कि 6 महीने तक के लिए रहता है, ठीक है, 6 महीने तक ही 20 दांत होते हैं, दांतों जो कि क्या रहता है, दूध के दांत होते हैं, बाद में क्या होते हैं, वो गिर जाते हैं, दूध के दांत एक एक करके क्या होते हैं, गिर जाते हैं, तो हमारे दूसरे दांत आते हैं, जो दूसरे दांत आते हैं वो क्या रहते हैं, परमानेंट होते हैं, ठीक है। तो मिल्क यानी कि दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, और परमानेंट दांतों की संख्या कितनी होती है, जो हमेशा के लिए रहती है, 32 होती है, ठीक। अब दंत सूत्र देख लेते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, दंत सूत्र। अब दंत सूत्र देखिए क्या होता है या कैसे होता है, दंत सूत्र हमने क्या बताया कि ऊपर जबड़े में भी दांत होते हैं और निचले जबड़े में भी दांत होते हैं। तो दंत सूत्र देखिए ICPM, अभी बताते हैं ICPM का मतलब क्या होगा, ठीक है, ICPM, ठीक। तो देखिए आई का मतलब क्या हुआ, इंसीजर यानी कि कृंतक, ठीक है, सी का मतलब क्या हुआ, केनाइन यानी कि रदनक, क्या कहेंगे उसे, रदनक कहेंगे। पी का मतलब प्रीमोलर यानी कि अग्रचवर्णक, एम का मतलब मोलर यानी कि
चवर्णक, ठीक है। तो हम क्या होता थे, ऊपरी जबड़े में भी दांत होता है और निचली जबड़े में भी दांत होता है। तो ICPM यानी कि आई जो कृंतक है हमारा उसके दांतों की संख्या ऊपर भी दो होगी नीचे भी दो होगी, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, दो लिख लेते हैं, ठीक। फिर प्लस करके जो केनाइन हमारा रदनक है वो क्या होता है, ऊपर एक होता है नीचे एक होता है, ठीक है। यहां क्या लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं। फिर प्रीमोलर, प्रीमोलर ऊपर दो होता है नीचे दो होता है, ठीक है। तो यहां क्या लिख लेते हैं, दो लिख लेते हैं। फिर हमारा है मोलर, ऊपर तीन होता है नीचे तीन होता है, ठीक है। कितना होता है, ऊपर तीन होता है और नीचे। अब फिर वही चीज रिपीट करते हैं यहां पे, क्योंकि ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, इसलिए क्या करेंगे, ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे, ठीक है। अब कहा गया है कि ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है का मतलब क्या है, कि ऊपर होता है नीचे होता है, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे होता है तो टू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप इसको ऐड करिए तो कितना आएगा, कितना आएगा, छह आएगा, ठीक है, सॉरी, हाँ, क्या होगा, ये दो एक तीन हो गया, ठीक है, तीन दो पांच हो गया, फिर तीन क्या हो गया, आठ हो गया, समझ में आ गया। तो कितना आएगा, इसको आप ऐड करिए तो कितना आएगा, आठ आएगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, आठ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आठ। फिर जब ऊपर आठ लिख दिए तो नीचे भी क्या लिखेंगे, वही संख्या लिखेंगे आठ, ठीक है। फिर यहां क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई, टू से मल्टीप्लाई किसलिए कर रहे हैं, समझा रहे हैं ना, क्योंकि ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, ठीक है। तो आठ दुनी सोलह, आठ का टू में मल्टीप्लाई करिए कितना होगा, सिक्सटीन आएगा, सोलह, ठीक। तो यहां क्या लिख देते हैं हम लोग, सोलह। फिर नीचे भी क्या लिखते हैं, सोलह। अब सोलह सोलह ऐड करिए तो कितना होगा, बत्तीस आ गया ना हमारा आंसर, बत्तीस। यानी कि दांतों की संख्या हमारी क्या होती है, बत्तीस। तो यहां पे दांतों की संख्या हमारी क्या आ गई, बत्तीस आ गई। फिर से एक बार देख लीजिए आप, दंत सूत्र है, ICPM, आई का मतलब होता है इंसीजर यानी कि कृंतक कहते हैं, सी का मतलब होता है केनाइन यानी कि रदनक कहते हैं, और पी का मतलब होता है प्रीमोलर यानी अग्रचवर्णक, और एम का मतलब होता है मोलर यानी कि चवर्णक, ठीक है। तो आई की संख्या यानी कृंतक की संख्या क्या होगी, दो होगी। ये जो हम लाइन खींचे हैं नीचे, ये इसको आप बटन मत समझिएगा, ये क्या है, ऊपर और नीचे, क्योंकि ऊपरी जबड़ों में होता है और निचली जबड़े में भी होता है, इसलिए ऊपर और नीचे हमने लिखा है, ठीक है। तो ये इसका कृंतक की संख्या दो होगी, ठीक, और रदनक की संख्या एक होगी, अग्रचवर्णक की दो होगी और चवर्णक की तीन होगी, ठीक। इसी प्रकार जिस प्रकार आप ऊपर लिखे हैं, जितना ऊपरी वाले जबड़े में हो उतना ही निचले वाले जबड़े में होगा, इसलिए नीचे भी वही चीज हमने क्या किया, उतार दिया है, ठीक है। फिर इसको दो से मल्टीप्लाई किए, क्यों दो से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हमने पहले बता चुका है, कई बार बता चुका है कि ऊपरी जबड़े में भी होता है निचले जबड़े में होता है, इसलिए इसको क्या किए, दो से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि इधर भी होगा, जितनी संख्या इधर होगी उतनी संख्या इधर होगी, तो एक ये दो दोनों साइड हो गए ना, इसलिए क्या कर रहे हैं, ऊपर भी दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे भी दो से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि गुणा कर रहे हैं, समझ में आया। अब देखिए, अब इसको आप ऐड करेंगे तो एट आएगा, आठ आएगा, ठीक। फिर दो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, फिर नीचे भी वही चीज करेंगे, फिर आठ दुनी सोलह कर देंगे, सोलह आएगा, नीचे भी सोलह आएगा, फिर सोलह सोलह को ऐड करेंगे कितना आएगा, बत्तीस। समझ में आ गया दांतों की संख्या, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अभी तक मानव पाचन तंत्र में हमारा क्या था, मुख था पहला और दूसरा मुख गुहा था, उसमें दांत और जीभ पड़ चुके हैं हम लोग। अब तीसरा क्या है, ग्रसिका है, ठीक है। तो ग्रसिका में देखिए क्या है, निगल द्वार से भोजन ग्रसिका में जाता है, यानी कि जो निगल द्वार मतलब कि भोजन निगलने का जो रास्ता होता है उससे भोजन कहाँ जाएगा, ग्रसिका में जाता है, ठीक है। फिर ग्रसिका से कहाँ जाएगा, आमाशय में जाता है, आमाशय मतलब पेट में जाता है, ठीक है। तो अब देखिए आमाशय में चौथा क्या है हमारा, आमाशय, आमाशय में भोजन आता है, ठीक है। तो इसमें आमाशय में जो भोजन आता है इसमें एक जठर रस पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है, जठर ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। आमाशय में जब भोजन आता है तो इसमें एक जठर ग्रंथि पाई जाती है, जो कि या कि जिससे, ठीक है,
जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। ठीक, फिर देखिए अब जठर रस निकलता है तो इसमें क्या होता है, जठर रस होता है, पेप्सिन होता है, एससीएल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, श्लेष्मा पाया जाता है। ठीक, इसमें क्या क्या पाया जाता है, जठर रस पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, श्लेष्मा पाया जाता है। तो जठर रस, अब जठर रस कहाँ से निकलता है, जठर ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, और पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन का काम होता है कि प्रोटीन का पाचन करना, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन कराता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वो होता है जो पेप्सिन की क्रिया में हेल्प करता है, पेप्सिन की क्रिया में क्या करता है, सहायता करता है। और श्लेष्मा, श्लेष्मा क्या होता है, जो कि हमारे आमाशय को एससीएल से, ठीक है, जो कि हमारे आमाशय को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है। अब देखिए श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय को बचाता है का मतलब क्या है, मतलब ये है कि मान लीजिए आपको बहुत जोर से भूख लगी होती है, ठीक है, या घबराहट होती है या कुछ होता है तो आपके पेट में क्या होती है, जलन होती है। ठीक है, बहुत जोर की भूख जब लगी होती है तो क्या होती है, पेट में जलन होती है। तो जलन वो किस लिए होती है, क्योंकि ये जो आमाशय में हमारा HCl होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है, उसकी दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब वो बढ़ जाता है तो हमारे पेट में क्या होने लगता है, जलन होने लगता है। तो जलन होने की वजह से, जो जलन होता है उससे क्या होता है, हमारा पेट का वॉल, जो पेट की दीवार होती है, उसको जलने का डर रहता है। ठीक है, तो जब जलने का डर रहता है तो उससे, जलने से, आमाशय की दीवार को जलने से कौन बचाता है, हमारा श्लेष्मा बचाता है। श्लेष्मा क्या करता है, बचाता है। जब आपका HCl बढ़ता है पेट में, HCl बढ़ता है तो क्या होता है, पेट की दीवार को कौन बचाता है, कौन रोकता है HCl को बढ़ने से, श्लेष्मा। ठीक है, समझ में आया यहां तक। अब देखिए नेक्स्ट हमारा पांचवा क्या है, छोटी आंत। छोटी आंत देखिए क्या करेगा, आमाशय से भोजन ग्रहणी में पहुंचता है। आमाशय में भोजन आया, आमाशय से कहां पहुंचेगा, ग्रहणी में पहुंचेगा। फिर छोटी आंत में भोजन का अत्यधिक पाचन हो जाता है। छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का अत्यधिक रूप से क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। फिर अवशेष जल तथा भोजन ही बचते हैं। अत्यधिक रूप से भोजन का पाचन हो जाता है, फिर जिसका पाचन नहीं होता है वो जल और भोजन बचे ही रह जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, बड़ी आंत, बड़ी आंत में देखिए, यह अधिक चौड़ी होती है तथा छोटी आंत की तुलना में कम लंबी होती है। बड़ी आंत, नाम बड़ी आंत है, बट बड़ी आंत जो होती है वो छोटी आंत से क्या होती है, छोटी होती है, कम लंबी होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी आंत कौन सी होती है, तो बड़ी आंत नहीं लिखना है, छोटी आंत लिखना है, क्योंकि छोटी आंत हमारी क्या होती है, सबसे लंबी होती है। बड़ी आंत की अपेक्षा में छोटी आंत हमारी क्या होती है, लंबी होती है, बड़ी होती है। ठीक है, बड़ी आंत इसका नाम है, बट इसे बड़ी आंत, ये बड़ी आंत नहीं होगा, छोटी आंत ही बड़ी आंत मानी जाती है। ठीक है, अब देखिए क्या है, मलाशय, यह बड़ी आंत का अंतिम भाग है। जो ये बड़ी आंत है उसके अंतिम भाग में क्या होता है, मलाशय होता है। ठीक है, बड़ी आंत का क्या होता है, अंतिम भाग है। यह लगभग 7 से 8 इंच लंबा होता है। क्या होता है, 7 से 8 इंच लंबा होता है। ठीक, फिर क्या हो, यहां भोजन में केवल जल का अवशोषण होता है, यानी कि यहां पर जो होता है बड़ी आंत में, ठीक है, बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन में लगभग केवल, सॉरी, भोजन में केवल किसका अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है। ठीक, अब देखिए लास्ट में हमारे क्या होता है, गुदा द्वार। लास्ट में क्या है, आहार नाल के स्ट्रक्चर में, आहार नाल की संरचना में लास्ट में क्या होता है, गुदा द्वार। अब गुदा द्वार देखिए क्या है, मलाशय का अंतिम, जो अभी तक हम मलाशय पढ़े हैं, यानी बड़ी आंत के अंतिम भाग मलाशय, लगभग उसे गुदा द्वार ही कहते हैं। ठीक है, अब मलाशय का जो अंतिम छोर होता है उसे क्या कहते हैं, अंतिम भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं, गुदा द्वार कहते हैं, जो कि मांस का बना होता है। इसके बाहर एक छिद्र होता है, यानी कि गुदा द्वार में बाहर की ओर एक छिद्र होता है, जिससे क्या होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं, जिससे क्या निकलता है, अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, बाहर निकलता है, यानी कि आप भोजन को ग्रहण किए, ठीक है, जो पचा हुआ भोजन है, जो पचा हुआ भोजन वो शरीर में ही रह जाएगा, जो अध पचा हुआ भोजन जो नहीं पच पाएगा, ठीक है, या जो व्यर्थ रहेगा, हमारे काम का नहीं रहेगा, जो छन जाता है भोजन, तो अच्छी चीजें तो हमारी बॉडी में रह जाएंगी, जो खराब चीजें रह जाएंगी, जो हमारे शरीर के लिए कोई भी आवश्यक नहीं होती है, वो क्या होगी, अपशिष्ट पदार्थ क्या होगा, गुदा द्वार के थ्रू कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। देखिए इधर का पार्ट सारा हम लोग क्या किए, पढ़ लिए, मुख पढ़े, फिर ग्रसिका पढ़े, मुख में क्या पढ़े थे, मुख के बाद क्या, मुख हुआ, फिर उसमें दांत और जीभ पढ़े थे, फिर उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, ग्रसिका पढ़े, फिर आमाशय पढ़े, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, जिसे कोलन कहते हैं।
ठीक। फिर क्या होगा लास्ट में गुदा द्वार, आहार नाल का लास्ट पार्ट हमारा क्या है गुदा द्वार। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया, इतना नोट डाउन कर लीजिए।